हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है और जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम मेज़रमेंट लेंगे बोट नेक के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 34 साइज़ का बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। टोटल लेंथ ली है मैंने 14 इंच, 13 इंच मुझे लेंथ तैयार रखनी है। और बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल्स का मेज़रमेंट लिया है मैंने यहाँ पर 7 इंच का। इस तरीके से चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम 8.5 इंच, और 1.5 इंच रख रही हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। और अब हम कमर का फोर्थ पार्ट लेंगे। 28 इंच कमर है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 7 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर दिया है। जब भी हम बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें शोल्डर डाउन करना होता है, तो इसमें मैंने 1/2 इंच का किया है। और इस तरीके से हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे अस्तर के ऊपर। इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर मैंने कट कर लिया है। और अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। नेक की विड्थ रखनी है 4 इंच और गले की जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने लिया है यहाँ पर टोटल नेक की लेंथ 10.5 इंच और नीचे से नेक विड्थ ली है 4 इंच। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और यहाँ पर देखिए 3 इंच पर हम एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से 3 इंच पर एक गला बना लेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे बोट नेक का। इसके बाद देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन के लिए ड्रॉ करना है और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हम इसे बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें कट वर्क बनाना है सिर्फ ऊपर वाली ही डिज़ाइन पर। तो ये आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। 3 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। ये देखिए अगर आप इसे और ब्रॉड करना चाहें, गले को फैलाना चाहें तो आप फैला सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग, उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। और यहाँ पर भी हम गले का मेज़रमेंट ले लेंगे जैसे कि हमने कपड़े पर लिया था। नेक विड्थ 4 इंच और गले की लंबाई ली है 10.5 इंच। इस तरीके से हम एक बॉक्स बना लेंगे और एक छोटा नेक ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, बोट नेक का शेप देना है। और नीचे की तरफ हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पर जितना भी आप ब्रॉड करना चाहें, फैलाना चाहें नेक को, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से सर्कल को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब हम साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हमें अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जिसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो आप इसे सिलाई लगाकर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें डिज़ाइन को कट कर लेना है। ये देखिए गले का पैटर्न हम इस तरीके से यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ऊपर से भी हम इसे कट करके निकाल देंगे पेपर पेस्टिंग के एक्स्ट्रा पार्ट को, तो हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो डिज़ाइन है वो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आएगा इसका। अस्तर को और मेन फैब्रिक को हम साथ में यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो अच्छे से बराबर करते हुए हमें हाथ से फिनिशिंग यहाँ पर करती जानी है ताकि अंदर की तरफ कोई भी सली या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को मैंने यहाँ पर साथ में जॉइंट कर दिया है और इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर कट कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा लेंगे इस तरीके से। और चौक से यहाँ पर सीधी सीधी मार्किंग हमें कर लेनी है। अब मैंने देखिए यहाँ पर मैन जो अस्तर का कपड़ा है उसके साथ पेपर पेस्टिंग को सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो इसे प्रेस से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं आप।
मैं इसे सिलाई लगाकर ही अटैच कर रही हूँ। तो जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, उसके कॉर्नर पर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से जो पेपर पेस्टिंग है कपड़े के साथ अच्छे से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो रफली आप यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो पूरे ही नेक पर मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे साइड से। सिर्फ हमें यहाँ पर उतना ही कपड़ा रखना है जितना कि हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। और इसे भी हम डबल फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर में कट लगाकर चौक से सीधी सीधी मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। अब ब्लाउज़ का सेंटर मार्किंग और गले का सेंटर मार्किंग दोनों मिलाते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे सेंटर में। और अब हम यहाँ पर देखिए सिलाई लगाएंगे गले से बिल्कुल चिपकाते हुए, पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। मैंने यहाँ पर एक तरफ सिलाई लगा ली है और अब हम गले की दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें दिख रहा है पूरे ही गले को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और पूरे ही गले के पैटर्न पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। पहले हम इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब हम पूरे ही गले पर कट लगाएंगे इस तरीके से। तो ये जो कटवर्क का डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाया है इस पे कट आपको अच्छे से लगाने हैं, तभी इसके जो कॉर्नर है वो बाहर आएंगे और फिनिशिंग इसमें अच्छी दिखेगी। तो पूरे ही पैटर्न पर आपको कट लगा लेने हैं। कट लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें इसे पलट कर सीधा कर लेना है और जितना भी फैब्रिक अंदर की तरफ है उसे हमें हाथ से इस तरीके से निकाल लेना है और फिनिशिंग दे देनी है। पेपर पेस्टिंग को हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इस पर एक बार प्रेस लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो गला है वो अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये फिनिशिंग के साथ बन गया है गला हमारा। मैंने इस पर एक बार प्रेस भी लगा दी है और अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे। तो सेंटर से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा कर इसे कम्प्लीट कर देंगे। अब हम नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। तो कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, उसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। और अभी मैंने गले के ऊपर सिलाई नहीं लगाई है। अब हमें यहाँ पर एक और पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है और उसको गले के नीचे हम इस तरीके से अच्छे से रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम गले के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। देखिए पेपर पेस्टिंग के सिर्फ नीचे का पार्ट ही मार्क करना है हमें, उसके बाद नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क करेंगे। इस तरीके से 1-1 इंच पर मार्क कर लेना है हमें और इस लाइन को मिला देना है इस तरीके से। ये देखिए नीचे की तरफ हम लाइन को मिलाते जाएंगे और अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये एक पट्टी हमने कट की है डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से। तो ये सिर्फ हमें 1 इंच की ही यहाँ पर चाहिए पट्टी। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेना है और सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो सिर्फ सिलाई हमें नीचे की तरफ ही लगानी है, ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। जो नीचे वाला पैटर्न है वहाँ पर ही सिलाई लगाएंगे और ये जो पेपर पेस्टिंग का पार्ट है इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसे अंदर की तरफ पलट लेना है इसे सिलाई लगाकर। और यहाँ पर देखिए कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे इसे।
कपड़े को बाहर की तरफ निकालते हुए। इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। अब हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली है और इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है उसे हम कट कर देंगे। इसके ऊपर देखिए, नीचे तो फिनिशिंग हो गई है, इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने तिरछी पट्टी यहाँ पर कट की है और इसे हम इस तरीके से अटैच कर देंगे इसके ऊपर। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पाइपिंग बनाते हुए। तो पाइपिंग को जितना मोटा या पतला आपको यहाँ पर रखना है उतना निकालते हुए बाकी फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये पट्टी भी हमारी रेडी हो गई है और अब हमें यहाँ पर डोरी बनानी है। तो अगर आप चाहें तो रेडीमेड डोरी ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके से फैब्रिक की, तो ये जो डोरी का कलर है वो आप कॉन्ट्रास्ट में ले सकते हैं या फिर मैन फैब्रिक का भी ले सकते हैं। डोरी बनानी है जैसे हम ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम सुई धागे की मदद से इसे पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये डोरी हम बना रहे हैं लूप बनाने के लिए। जो लूप की डिज़ाइन है वो हम गले के नीचे वाले पार्ट पर अटैच करेंगे। तो देखिएगा, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, पलट के हमें सीधा कर लेना है पट्टी को। तो मैंने पट्टी को पलट लिया है और इसके अब हम लूप कट कर लेंगे इस तरीके से। डोरियों को पीसेस पे कट कर लेना है और अब हम इसे एक के ऊपर एक रखेंगे। और यहाँ पर दो डोरी के पीस लिए हैं मैंने, इसे अब हम फोल्ड करके गले के नीचे लगाएंगे। गले के नीचे हमने इस तरीके से इसे अटैच कर देना है सिलाई लगाकर। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे अटैच कर देंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पर डोरी एक ही कलर की ली है, अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर की भी ले सकते हैं। जैसे एक लूप आप यहाँ पर मैन फैब्रिक का ले सकते हैं और एक लूप कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो सारे ही लूप हम गले के नीचे वाले पार्ट पर लगाकर कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो मेरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे अटैच करना है। तो नीचे वाले पार्ट को हम इसे सेंटर से यहाँ पर रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। तो बिल्कुल पाइपिंग के कॉर्नर पर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसके साइड से भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये गला हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमें इसके ऊपर लगानी है लेस। तो देखिए मैं सबसे पहले लेस यहाँ गले के नीचे वाले पार्ट पर लगाऊंगी इस तरीके से। एक लेयर हम यहाँ पर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर वाला जो नेक है वहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। तो लेस मैंने यहीं तक ही लगाई है यहाँ पर और अब हम ऊपर वाले गले की तरफ से लेस लगाएंगे। आर्म होल्स के यहाँ से लेते हुए हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है। तो जो ये कटवर्क है यहाँ पर हम अच्छे से इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे। यहाँ पर लगाने के लिए आप बिल्कुल भी ब्रॉड लेस नहीं लीजिएगा, कम ब्रॉड वाली ही लेस हम यहाँ पर अटैच करेंगे जिससे कि इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। तो जो गले का शेप बना हुआ है शेप के अकॉर्डिंग ही लेस को लगाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ मैंने लेस लगा ली है, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लेस अटैच कर देंगे। दोनों ही तरफ मैंने लेस अटैच कर दी है और यहाँ पर मैं डोरी लगा रही हूँ। डोरी को भी हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर देंगे। इसके नीचे आप हैवी लटकन बनाकर भी लगा सकते हैं।
तो ये जो डिज़ाइन है हमारा वो बन करके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।